सोलन में चिट्टा यानी हीरोइन पर पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही है। यही कारण है कि आए दिन चिट्टा कारोबारी सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सोलन में चिट्टे की गिरफ्त में युवा बेहद ज्यादा फंस रहे हैं, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने सोलन में गुप्तचरों का जाल इस तरह से बिछा रखा है कि अब नशा माफिया के हाथ पांव कांपने लगे हैं, और जैसे ही कोई नशे की डील करता है तो पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में देर नहीं लगाती। आज भी पुलिस ने दो युवकों को धर दबोचा, जिसके पास से करीबन 4.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस दोनों युवकों से कड़ी पूछताछ कर रही है। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक सोलन मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सप्रून चौकी के टीम ने देवठी के समीप गांव में पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। नाके को देखकर कार चालक और उसके साथियों ने मौके से भागने का प्रयास किया, तो पुलिस ने तुरंत युवकों को कुछ दूरी पर जाकर धर दबोचा। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 4.32 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पकड़े हुए युवा विशाल और सोलन के हैं, जिनके नाम मुकेश ठाकुर और आदित्य पनवर हैं, जिनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार दोनों युवक ये चिट्टा कहां से लेकर आए हैं और किसको देना था। सप्रून चौकी वालों ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है 4.72 ग्राम चिट्टे के साथ। एक इनमें से एक का नाम आदित्य पनवर, जो कि न्यू बस स्टैंड सोलन का रहने वाला है, और दूसरे का नाम मुकेश ठाकुर, जो कि सोलन का ही रहने वाला है, उनको बसाल का रहने वाला है, उनको गिरफ्तार किया है।